बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूँ आपकी मेजबान तस्बीहा मसल। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। IMF की जानिब से $3 बिलियन के कर्ज की मंजूरी मिलने के बाद 16 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। कराची से अपडेट करेंगे। विफाकी हुकूमत फाइनेंस डिवीज़न के मुताबिक 16 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये तक कमी का इम्कान है। IMF की जानिब से $3 बिलियन के कर्ज की मंजूरी और $1.2 बिलियन की पहली किस्त जारी करने के बाद डॉलर के मुकाबले मुल्की करेंसी की कदर में इजाफे के बाद पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से आज 15 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान मुतवक्का। और मार्केटिंग कंपनियों OMCS के तखमीने के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 262 रुपये फी लीटर की मौजूदा कीमत से अगले 15 दिन तक 10.08 रुपये से कम होकर 251.92 रुपये फी लीटर होने का इम्कान, जबकि HSD की कीमत 3.66 रुपये फी लीटर इजाफे से 264.16 रुपये फी लीटर होगी, जबकि इसकी मौजूदा कीमत 260.50 रुपये फी लीटर होगी। लाइट स्पीड डीजल की कीमत 1.43 रुपये फी लीटर इजाफे के साथ 155.65 रुपये फी लीटर होगी, जबकि मौजूदा कीमत 154.22 रुपये फी लीटर होगी। फाइनेंस डिवीज़न नरखों का ऐलान 15 जुलाई को करेगा, जो अगले 15 दिनों तक बरकरार रहेगी।